तो आइए पूरा पश्चिम में खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। मुजफ्फरनगर इटावा गांव में 100 परिवार क्वारंटीन। नोएडा में महिला की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। पॉजिटिव महिला 13वीं में हुई थी शामिल। नरेश टिकैत के साथ पूरा परिवार हुआ क्वारंटीन। महिला के साथ रिश्तेदारों को भी किया गया क्वारंटीन। विधायक उमेश मलिक भी हुए थे शामिल। भौरा कला थाने के सिसौली कस्बे का मामला। नोएडा में महिला की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। पॉजिटिव महिला 13वीं में हुई थी शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, नरेश टिकैत के साथ पूरा परिवार हुआ क्वारंटीन। महिला के साथ रिश्तेदार भी क्वारंटीन किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर से इटावा गांव में 100 परिवार क्वारंटीन किए गए हैं। नोएडा में महिला की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पॉजिटिव महिला 13वीं में हुई थी शामिल। तो उसके संपर्क में आए तमाम लोग क्वारंटीन किए गए। नरेश टिकैत के साथ पूरा परिवार हुआ क्वारंटीन। महिला के साथ रिश्तेदारों को भी क्वारंटीन किया गया। मुजफ्फरनगर इटावा गांव में 100 परिवार क्वारंटीन, इस वक्त की बड़ी खबर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नरेश टिकैत के साथ उनका पूरा परिवार भी क्वारंटीन में। महिला के साथ रिश्तेदारों को भी किया गया क्वारंटीन। तो कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी के 15 जिलों में सख्ती बढ़ाई गई है। इन जिलों के संवेदनशील इलाकों में पूरी तरह से इनको सील कर दिया गया। हॉटस्पॉट इलाकों पर सतर्कता बढ़ाए जाने को लेकर यूपी डीजीपी एचसी अवस्थी ने भी जानकारी दी। पद चिन्हित किए गए हैं, इसके कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं, वो इस आधार पर हैं जहाँ पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं। और जैसा आप जानते हैं, इसका संक्रमण जो है बहुत जल्दी होता है और कॉन्टैक्ट से होता है, इसलिए ये संभावना बनी हुई थी कि अगर लोग आवागमन वहाँ करेंगे उस क्षेत्र में तो वो फैलने का अंदेशा पैदा हो गया था। इसलिए तय किया गया कि वहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन इस तरह का किया जाए कि ना वहाँ कोई जाए और ना वहाँ से कोई बाहर आए, और जो भी लोगों की आवश्यकताएँ हैं उनको डोर स्टेप पर पहुँचाया जाए। तो ये कारण है कि इसमें हम लोगों को 15 जनपदों को चिन्हित करना पड़ा, विशेष रूप से उनके कुछ क्षेत्रों को जहाँ पर हमको इन्हेंस्ड लॉकडाउन करना पड़ा। चालान किए जा रहे हैं लोगों के, गाड़ियों के जो वहाँ आ जाते हैं। हर दिन लोगों के खिलाफ मुकदमे 188 आईपीसी के तहत दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारा अपना इम्प्रेशन ये है कि लोग स्वयं कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ और ख़ुद अपने को रोक रहे हैं बाहर आने में, या सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को अपने आप फॉलो कर रहे हैं। उसमें हमको उनको बताने की ही बात है, कोई ऐसी बात नहीं। तो सुना आपने ऐसी अवस्थी को, एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें नोएडा से बड़ी खबर, हॉटस्पॉट इलाके किए जा रहे हैं सैनिटाइज। इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रोन की मदद से सैनिटाइज का काम हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सेक्टर 8 को ड्रोन के जरिए किया गया सैनिटाइज। ड्रोन की मदद से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, बड़ी खबर नोएडा से। तो हॉटस्पॉट इलाके किए जा रहे हैं सैनिटाइज, इस वक्त की बड़ी खबर। तो नोएडा के 22 इलाके हॉटस्पॉट में आए, तो ड्रोन की मदद से सैनिटाइज का काम शुरू कर दिया गया। सैनिटाइजेशन शुरू हो चुकी है, सेक्टर 8 को ड्रोन के जरिए किया गया सैनिटाइज। वहीं मेरठ में हॉटस्पॉट वाले इलाकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। 9 थाना क्षेत्रों के जिन 12 हॉटस्पॉट को सील किया गया है, एडीजी प्रशांत कुमार और मंडल आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने टीम के साथ इन इलाकों का दौरा किया। सील किए गए स्थानों पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। तो ड्रोन की तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरठ की। तो प्रशासन लगातार ड्रोन के जरिए नजर बनाए हुए है। 12 हुई हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या, पहले 9 थी, इसको बढ़ाकर 12 किया गया। एडीजी और मंडल आयुक्त ने इलाकों का दौरा किया, ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। तो मेरठ में कई इलाकों में लॉकडाउन के पालन ना करने की खबरें सामने आ रही थी, लॉकडाउन के उल्लंघन की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। तो 12 हुई हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या, मेरठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। तो कमोबेश हॉटस्पॉट से अलग जो तस्वीरें आ रही हैं वहां पर भी देखा जा रहा है कि लोग अपने घरों में ही हैं। कोरोना से लोगों को
सुरक्षित करने के लिए हर विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। कासगंज रेलवे ने सभी इमरजेंसी हालातों से निपटने के लिए 6 कोच का एक आइसोलेशन हॉस्पिटल तैयार किया है। इसमें हर कोच में 16 बेड बनाए गए हैं, साथ ही हर कोच में एक डॉक्टर को कोच और एक वॉशरूम भी तैयार किया गया। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के रेल प्रबंधक ने कोच का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। तो पूर्वोत्तर रेलवे ने तैयार किया यह कोच, 6 कोच का आइसोलेशन हॉस्पिटल तैयार किया गया। तो आपात स्थितियों के लिए अभी से तैयारियां की जा रही हैं। हर कोच में 16 बेड और एक डॉक्टर का वार्ड भी तैयार किया गया है, साथ ही वॉशरूम की भी व्यवस्था इसमें की गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, 2 फर्जी डॉक्टरों को पुलिस ने पकड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, 2 फर्जी डॉक्टरों को पुलिस ने पकड़ा है। डॉक्टर के भेष में 2 संदिग्धों को पकड़ा गया। डॉक्टर का कोट पहनकर घूम रहे थे ये लोग। पॉलिटेक्निक चौराहे से पकड़े गए संदिग्ध युवकों के पास से मिला नशे का सामान, इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर लखनऊ से, 2 फर्जी डॉक्टरों को पुलिस ने पकड़ा, इस वक्त की बड़ी खबर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दोनों ने डॉक्टरों का कोट पहन रखा है। डॉक्टर का कोट पहनकर घूम रहे थे दोनों युवक। पॉलिटेक्निक चौराहे से पकड़े गए संदिग्ध। तो पूछताछ जारी, युवकों के पास से नशे का सामान भी मिला है। 2 फर्जी डॉक्टरों को पुलिस ने पकड़ा है। डॉक्टर के भेष में 2 संदिग्धों को पकड़ा गया, जिनके पास से नशे का सामान भी बरामद हुआ। तो पॉलिटेक्निक चौराहे से पकड़े गए संदिग्ध, अब इनसे पूछताछ की जा रही है। लखनऊ से ये बड़ी खबर, 2 फर्जी डॉक्टरों को पुलिस ने पकड़ा। डॉक्टर के भेष में 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। डॉक्टर का कोट पहनकर घूम रहे थे ये दोनों युवक। तो पॉलिटेक्निक चौराहे से पकड़े गए संदिग्ध, अब इनसे पूछताछ हो रही है। युवकों के पास से नशे का सामान भी मिला है। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोनलाइन से। अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे, पॉलिटेक्निक चौराहे से जो 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं, डॉक्टर की कोट इन्होंने पहने हुए थे, इनके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है और क्या कुछ खुलासा हो पाया अब तक? देखिए, ये पॉलिटेक्निक इलाका है लखनऊ का, और जब से कल से लखनऊ के 12 इलाकों को सील किया गया है तो सख्ती थोड़ी बढ़ गई है। आज दोपहर का वक्त था, जो ये बाइक से जा रहे थे और कोट पहना हुआ था, जो डॉक्टर पहनते हैं अमूमन वो कोट पहना हुआ था, वहां पर जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे उसको शक हुआ और उसने इन दोनों युवकों को रोका। तो इन्होंने पहले अर्दब में लेना चाहा, ये कहा कि हम डॉक्टर हैं, सेंट्रल सर्विस से जुड़े हुए हैं और हमें जाना है। जब ये पूछा कि कोई कार्ड है, किस अस्पताल के हैं, तो ये सब कुछ बता नहीं पाए और इनको फिर रोक लिया, इनकी तलाशी ली। तो जो टैबलेट होता है नशे का वो इनके पास से बरामद हुआ। फिर इनको जो निकट का थाना था वहां पर लेकर गए, विभूतिगंज थाने में इनसे पूछताछ की जा रही है। एक तरफ तो देखिए कोरोना का संकट है, सभी से लॉकडाउन में घर में रहने की अपील की जा रही है, और ऐसे में इस तरह के भी युवक है जो फर्जी डॉक्टर बनकर घूमने के लिए निकल पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों पर सख्ती या पुलिस करती नजर आ रही है। जी अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये थे अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी, जो अपडेट दे रहे थे। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं योगी सरकार ने 15 जिलों में हॉटस्पॉट चिन्हित कर उन इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया है। यहां किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जा रही है। पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है। आप ये अलग अलग जगहों की हम आपको 8 तस्वीरें दिखाएंगे। खुद अधिकारियों ने कमान संभालते हुए इन हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती कर दी है। तो एबीपी गंगा की टीम ने पड़ताल में हॉटस्पॉट वाली जगह का जायजा लिया और ये सभी जगह पड़ताल में पास हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, मेरठ, वाराणसी, अमरोहा और शामली की ये तस्वीरें हैं जहां लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन होता नजर आ रहा है। तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और आगरा की सड़कों पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कानपुर में भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई। मेरठ में जो लोग निकले, पुलिस सख्ती से उनसे बात कर रही है और उन्हें घरों में वापस भेजा जा रहा है। नोएडा में भी सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया हॉटस्पॉट इलाकों में और किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है।
तो लॉकडाउन के चलते किसान भी परेशान है। प्रयागराज में फसल पूरी तरह से पककर तैयार होने के बाद भी किसान उसे काट नहीं पा रहे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण किसानों को फसल कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। किसान अगर चाहें भी कि किसी मशीनों के जरिए गेहूं की मंडाई करा ली जाए तो उन्हें मशीनों से भी गेहूं की कटाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने खेतों में फसलों की कटाई पर किसी तरह की रोक से इनकार किया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लॉकडाउन के चलते गाँव में भी किसान अपने खेत नहीं जा पा रहे हैं। किसानों की जी बहुत दिक्कत है, यहाँ किसान जो फसल कट रही है फसल काटने नहीं पा रहे हैं, सड़क पे अगर निकल जाते हैं हसिया उसिया ले रहते हैं, किसानों को मार रहे हैं। दरोगा हल्का इंचार्ज जो है बहुत परेशान करता है, सुबह 4 बजे आ जाता है, 3 बजे आ जाता है, बहुत हैरान कर रहा है। ये सो बोल के जाते हैं कि तुम लोग भीड़ मत लगाओ, जाओ थोड़ा थोड़ा काम करो, लेकिन ईसाई जब आता है तो बहुत मारता है, कई लोगों को हाथ तोड़ दिया, कई लोगों को छोड़ दे दिया। तो डर लगता है, कोई नहीं निकल रहा है डर के मारा जी। सुबह शाम कोई दवा लेने नहीं जा रहा है, कोई सब्जी लेने नहीं जा रहा, सब्जी बेचने नहीं जा रहा है, फसल नहीं कट पा रही है, सब पड़ी है। दोपहरिया में किसान आके बांधते हैं कि जब जान रहे हैं कि आ रहा है तो भाग रहे हैं, कोई बैठा है दूरी चिल्लाता है तो सब भाग जाते हैं। वहीं आगरा के शहरी क्षेत्रों में 20 हॉटस्पॉट प्रशासन ने चिन्हित किए हैं। यहां युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन, मॉपिंग और फॉगिंग, एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है। दिन और रात में सफाई चल रही है ताकि हॉटस्पॉट पर वायरस संक्रमण कम किया जा सके। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने नगर आयुक्त अरुण प्रकाश से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के लिहाज से आगरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो सबसे ज़्यादा आगरा से ही निकल कर सामने आ रहे हैं। 84 केस आज सामने आ चुके हैं जो कोरोना संक्रमित हैं, और ऐसे में सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। क्या मैकेनिज्म है, क्या किस तरह से ये काम हो रहा है, इसके लिए 22 जो हॉटस्पॉट हैं आगरा ज़िले के उसमें से 20 शहरी क्षेत्र में आते हैं। नागर साहब हमारे साथ हैं। अरुण प्रकाश जी, आप बताइए सर, किस तरह से चल रहा है? कहा जा रहा है कि दमकल के जरिए बड़े स्तर पर ये पूरा सैनिटाइजेशन, मॉपिंग, ये किस तरह से? देखिए, हम लोग रात में जो हॉटस्पॉट का ऑर्डर हुआ है सील करने का, उसमें DM साहब, SP साहब और हम तीनों लोगों ने बैठ करके, जो हमारे 20 सेंटर शहर के और 2 बाहर के हैं, उन पूरे 22 जो हॉटस्पॉट सेंटर हैं उनकी पूरी हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाया अलग से, और उसमें जो सैनिटाइजेशन कैसे होगा, उसमें फॉगिंग कैसे होगी, एंटी लार्वे का स्प्रे कैसे होगा, वहाँ की सामान्य सफाई कैसे इंश्योर की जाएगी, इसके लिए डेडिकेटेड टीम रखा है। वो वहाँ पे जो वार्ड ऑफिस है वहाँ पे उसका सेंटर बनाया है, वहाँ हमारे कर्मचारी जो जाएंगे सफाई करने वो प्रॉपर PPE किट और मास्क वगैरह ग्लव्स पहन के उस एरिया में जाएंगे, और जाते समय उनको एक बार सैनिटाइजेशन करना है और हाथ धुल के जाना है, फिर जब बाहर आएंगे तो फिर वहीं उनको सैनिटाइज कर रहे हैं, उसमें जो वाहन लग रहे हैं उनको भी हम डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने करीब 29 अधिकारियों को डिप्लॉय किया है जो इस हॉट स्पॉट सेंटर को वॉच कर रहे हैं, और इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम पूरी लगा करके हम 24/7 इसको वॉच कर रहे हैं कि हमारे हॉट स्पॉट से कोई व्यक्ति संक्रमित होकर के न निकले। जो सफाई में लगा है उसकी भी सुरक्षा हम देख रहे हैं, साथ साथ उसमें जो लोग क्वारंटाइंड हैं उस हॉट स्पॉट एरिया में उनकी भी सुरक्षा के लिए। सवाल ये भी बना हुआ है कि जो जमातियों का फिगर आधे से ज़्यादा है 84 आगरा में, पतली पतली सकरी गलियों में, आगरा के पुराने इलाकों में, मस्जिदों में वो रहते हुए नजर आए, तो कितना बड़ा चैलेंजिंग है उन इलाकों में सैनिटाइजेशन कराना, और क्या आपको सहयोग मिल रहा है अब? हाँ देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि काफ़ी सघन बस्ती है और पतली पतली गलियां हैं, लेकिन जो पिट्ठू वाला हमारा सैनिटाइजेशन का जो अपरेटस है वो किसी भी गली में आराम से उससे एंटी लार्वा स्प्रे और सैनिटाइजेशन जो पीठ पे लाद करके और वो आराम से हो जाता है। इलाके युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, नगर निगम की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आगरा की बात की जाए तो 22 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जिसमें 20 शहरी क्षेत्र में है यानी नगर निगम के दायरे में है, तो ऐसे में उन इलाकों में प्रॉपर सैनिटाइजेशन, मॉपिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आगरा से कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। गेस्ट हाउस में विदेशी का शव मिलने से हड़कंप, इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर वाराणसी से, तो इल्विश गेस्ट हाउस से मिला विदेशी शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, इस वक्त की बड़ी खबर। प्रशासन कर रहा है कोरोना लक्षणों की जांच, तो नागरिक का शव मिलने से सनसनी। भेलूपुर थाना क्षेत्र का मामला, तो विदेशी का नाम दमित्री और रोमांटिक
भेलूपुर शिवाला के इवलिश गेस्ट हाउस में 28 फरवरी से रुका हुआ था ये विदेशी। आध्यात्मिक कारणों से वाराणसी में रुकने की सूचना, गेस्ट हाउस में बंद कमरे में मिला मृत शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। प्रशासन ने मृत विदेशी नागरिक को कोरोना सिम्टम के बारे में जानकारी ली। मृत विदेशी के बारे में बेलारूस एम्बेसी को जानकारी दे दी गई है। वहीं आगरा में बेहद सख्ती दिख रही है। आंकड़ों के हिसाब से कोरोना मरीजों की संख्या आगरा में सबसे ज्यादा है, इसलिए यहां के 22 हॉटस्पॉट को सील कर दिया गया है। लिहाजा जरूरी सामानों के इंतजाम प्रशासन खुद घर घर जाकर पहुंचाकर कर रहा है। यहां का जायजा लिया एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। सरकार और प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद आगरा में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज 19 नए मामले सामने आए हैं और आंकड़ा बढ़कर 84 हो गया है। एक महिला की मौत भी हो गई है और जिस तरह से कल सरकार ने एक नए नियम जारी किए हैं उसके तहत 15 जिलों के सभी हॉटस्पॉट को पूरी तरह सील करने के निर्देश दिए हैं और ऐसे में आज आगरा में बेहद सख्ती दिख रही है और सड़कों पर इस तरह का सन्नाटा दिख रहा है। नेशनल हाईवे 2 पर मैं मौजूद हूँ और जहाँ बाकी दिनों में लॉकडाउन में काफ़ी चहलकदमी दिख रही थी, आज ऐसा माहौल नहीं है। और मेरी बाईं तरफ आप जो हॉस्पिटल देख रहे हैं, नर्सिंग होम देख रहे हैं, ये उन 22 हॉटस्पॉट में से एक है, क्योंकि इसका जो बेटा है, जो इसके मालिक का डॉक्टर राजीव गुप्ता के, वो विदेश से आया और कोरोना संक्रमित था। इसके बाद डॉक्टर राजीव गुप्ता ने अपने बेटे का इलाज किया और कई सारे अन्य पेशेंटों का इलाज किया और उनको भी कोरोना संक्रमित पाए गए वो, जिस पर प्रशासन ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी। वैसे में आप देख सकते हैं कि सार्थक नर्सिंग होम का जो इलाका है वो पूरी तरह सील कर दिया गया है। हॉटस्पॉट को दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं, बल्लियां लगाकर रोक दिया गया है और ऐसे में कोई भी इस नर्सिंग होम के सामने से होकर नहीं गुजरेगा और तमाम जो एक्टिविटीज़ ऐसे हॉटस्पॉट वाले जो इलाके हैं वहाँ होती थी वो पूरी तरह बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। बैंकों से लेकर जो अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई जो तमाम सर्विसेज थी वो भी इन हॉटस्पॉट वाले इलाकों में पूरी तरह बंद है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है लेकिन प्रशासन का कहीं ना कहीं इस समय बड़ा फेल्योर नज़र आ रहा है कि तमाम कोशिशें, तमाम नए प्रयोग और तमाम नई एहतियात के बाद भी किसी भी तरह से आगरा में कोरोना के जो मरीज़ हैं वो रुक नहीं रहे हैं, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और आगरा की जनता में ज़बरदस्त दहशत है। तो वहीं प्रशासन को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। आगरा से कैमरा पर्सन धीर सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। चलिए तो आगरा की तस्वीरें आपने देखी और आइए अब आपको दिखाते हैं मेरठ की तस्वीर, जहां 12 इलाकों को हॉटस्पॉट बनाकर सील कर दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका है शास्त्री नगर का सेक्टर 13, जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। इन इलाकों में सीलिंग का किस तरह से पालन किया जा रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने। जिले में 11 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से सभी हॉटस्पॉट को रात 12 बजे तक पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। इस वक्त हम मेरठ के शास्त्री नगर सेक्टर 13 में मौजूद हैं, जिसकी सीमाएं आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सील कर दी गई हैं। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो भी बाहरी लोग हैं उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और जो अंदर के लोग हैं उन्हें बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। यानी कहा जाए तो लॉकडाउन का 100% पालन कराया जा रहा है। अधिकारियों की माने तो जो खाद्य सामग्री है या चिकित्सा की जो मेडिसिन है या अन्य जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें होम डिलीवरी कराई जाएगी। और तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर फोर्स लगाई गई है ताकि जो सीलिंग है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सुचारू रूप से कहा जाए एक तरीके से तो इम्प्लीमेंट हो सके। हमारे साथ CO साहब खुद मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि सर किस तरीके से ये पूरा इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। ये जो लॉकडाउन चल रहा है पहले से ही, लेकिन अब उसको और सख्ती से लागू किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं तो उसको सख्ती से किया गया है। इसके अलावा कुछ एरिए जो चिन्हित किए गए हैं जहां पर कुछ मरीज पहले मिले थे उन चेहरों को बिल्कुल सी। चलिए ये रिपोर्ट हम बाद में दिखाएंगे आपको, फिलहाल CM योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। ये चीजों को तय करें, इन सभी जनपदों में
पिछले एक महीने के दौरान विदेश से या देश के अन्य भागों से जितने भी लोग आए हैं, इन सभी लोगों को कोई होम क्वारंटाइन में होगा, कोई इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में होगा। जो होम क्वारंटाइन में है, उस होम क्वारंटाइन वाले को एक एक व्यक्ति की भी जांच हो जाए, और जांच होकर के जिसको थोड़ा भी सस्पेक्ट है, कोई व्यक्ति कहीं कोई संदिग्ध लगता है, उस हर एक व्यक्ति को हम लोग तुरंत इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से कर रहे हैं। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हॉट स्पॉट के इंतजामों पर वो चर्चा कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। अधिकारियों के साथ सीएम योगी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो चुकी है। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, किस तरह से जो हॉट जिले हॉट स्पॉट चुने गए थे 15 जिलों के, वहाँ पर क्या व्यवस्था है, प्रशासन किस तरह से वहाँ पर मुस्तैदी से डटा हुआ है, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग सड़कों पर ना निकलें और घरों में ही रहें, और उन तक ज़रूरी सामान भी पहुँचाया जाए, उसको लेकर चर्चा की जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रीफ कर रहे थे अधिकारियों के संग, उनकी बैठक चल रही है और चर्चा की जा रही है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से सील कर दी गई हैं हॉटस्पॉट इलाकों की, और वहाँ पर सिविल डिफेंस के साथ साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उन इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया जहाँ जिन्हें हॉटस्पॉट में चिन्हित किया गया, और वहाँ पर 15 अप्रैल तक पूरी तरह से सख्ती जो है वो बरती जाएगी ताकि लोग अपने घरों में ही रहें, और जिन लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने और प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया है कि जो भी ज़रूरत का सामान है उनके दरवाजे तक, डोर डिलीवरी उन तक पहुंचाई जाएगी। ऐसे में लोगों को घरों से निकलने की आवश्यकता नहीं है, और सरकार ये बार बार कह रही है, लगातार अपील कर रही है लोगों से कि पैनिक ना करें। ये कड़े फैसले लोगों के हित को ध्यान में रखकर ही लिए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, नोएडा में कोरोना के 3 और मरीज, इस वक्त की बड़ी खबर। तो बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से, नोएडा में कोरोना के 3 और मरीज मिले, इस वक्त की बड़ी खबर। तो लगातार नोएडा में मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 3 और नए कोरोना मरीज मिले नोएडा में, इस वक्त की बड़ी खबर। तो कल ही 15 जिलों में हॉटस्पॉट चिन्हित कर इलाके सील किए गए हैं, नोएडा भी उनमें से एक है जहां पर कोरोना के बहुत ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो 3 और मरीज नोएडा में सामने आए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। तो बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, कोरोना के 3 और मरीज मिले, इस वक्त की बड़ी खबर। तो कोरोना के अब तक 69 मरीज नोएडा में, तो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में कड़े कदम भी उठाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे, नोएडा से संवाददाता भूपेश प्रताप हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। भूपेश, आपसे जानना चाहेंगे, कल ही कड़े कदम उठाए गए हैं, 15 जो जिले हैं वहां पर हॉटस्पॉट चिन्हित करने के बाद सील किया गया इलाकों को, आज नोएडा को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है, 3 और मामले सामने आए, कहाँ के मामले हैं? देखिए, बिल्कुल 3 मामले आज सामने आए हैं, 93 का है, 50 का, और एक ग्रेटर नोएडा की सिल्वर सिटी सोसाइटी का मामला है। तो कुल मिला के ग्रेटर में नोएडा की अगर बात करूं तो 63 टोटल मामले हो गए हैं। कल ही एक कड़ा निर्णय लिया गया था जिसके बाद 22 जो है हॉटस्पॉट बनाए गए थे और पूरी तरह से उनको सील कर दिया गया था। ना वहां पर अब किसी की आवाजाही नहीं है, चाहे बैंक हो, चाहे कैसी भी चीज हो, कोई भी दुकानें हो, अब पूर्ण रूप से वहां बंद है, और जितने भी जो लोग हैं उनसे घरों में रहने के लिए कहा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और 3 मामले सामने आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अभी फिलहाल इनकी ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि कहाँ से ये कनेक्ट हुए थे, कैसे संक्रमण इन तक पहुंचा है, इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति निकल के सामने आई है उसी में यही है कि 3 लोगों की पुष्टि हुई है। तो कुल मिला के गौतम नगर में जो आंकड़ा है वो बढ़कर 63 हो गया है। जी बिल्कुल, ये चिंता की बात है, जिस तरह से 69 मामले नोएडा में हो चुके हैं, लेकिन कल हॉटस्पॉट में जो इलाके चिन्हित किए गए वहाँ का अगर जायजा लिया गया हो, वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं, क्या पूरी तरह से लॉकडाउन है, इलाके जो हैं सील हैं और लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पुलिस प्रशासन एकदम मुस्तैद है, लगातार टीम बनाई गई है, और टोटल की अगर मैं बात करूं, ये जो 22 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, 22 हॉटस्पॉट में
44 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई, यानी कि 8 घंटे की शिफ्ट में एक मजिस्ट्रेट काम करेगा, 8 घंटे एक मजिस्ट्रेट वहां पर निगरानी करेगा कंटिन्यू। तो कोई भी निकलता है तो उनकी जिम्मेदारी होगी, साथ ही इसके अलावा पुलिस वहां पर रहेगी। और सुबह से अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल मुस्तैद पुलिस दिखी है, अनाउंसमेंट किया गया है, बाहर जितनी भी जितना वो पूरा एरिया है उसको सील कर दिया गया और साफ तौर पर कहा गया है कि किसी को भी किसी भी चीज के लिए आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लगातार जो है नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, चाहे वो सब्जी वालों के जो होम डिलीवरी सब्जी की करेंगे उनके हों सब्जी मंडी से, चाहे फल वालों के हों, दूध के हों, या अन्य आवश्यक दवाई के हों, किसी के भी हों, सबके लिए उन्होंने कहा है कि प्रशासन के द्वारा सबको नंबर दिए गए हैं, आपको निकलने की जरूरत नहीं है। पुलिस भी साफ तौर पर मुस्तैद दिख रही है, जितने भी इन इलाकों को देखिए सील किया गया है वहां पर किसी भी अभी मतलब किसी भी पब्लिक की कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं दी है, क्योंकि पब्लिक भी खुद अपने आप में सचेत है, क्योंकि नोएडा ऐसा शहर है जहां पर ज्यादातर जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, साक्षर हैं अपने आप में, और कहीं ना कहीं अवेक है, वो लोग भी खूब जागरूक है, इसलिए वो खुद बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। उन्हें भी पता है कि जब तक हम इसमें साथ नहीं लगेंगे तब तक हम कोरोना को नहीं हरा पाएंगे। जी भूपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये थे सहयोगी भूपेश प्रताप, अपडेट दे रहे थे नोएडा में 3 और मामले सामने आए कोरोना पॉजिटिव के। इस बड़ी और अहम खबर पर नजर लगातार बनी रहेगी और पल पल की अपडेट्स हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन लगातार एबीपी गंगा अपने दर्शकों से अपील कर रहा है, पैनिक ना करें, लॉकडाउन का पालन करें और सरकार जो भी कड़े फैसले ले रही है आपके हितों में है, इसलिए घर पर बने रहें। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी। एहतियात से कोरोना को मात, हाथ साफ तो कोरोना साफ, खुद को बचाएं, दूसरों को भी रखें महफूज, दिल मिलाएं, हाथ नहीं, नमस्ते करें, समझदार बनो, कोरोना से बचो। तो अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी, इस वक्त की बड़ी खबर, 35 जिलों से डीएम से सीएम योगी कर रहे हैं चर्चा, मीटिंग में स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हैं, हॉटस्पॉट के इंतजामों पर भी मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। तो सीधी तस्वीरें लखनऊ से आप देख रहे हैं जहां पर फीडबैक ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा चल रही है, मीटिंग में स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हैं, 35 जिलों से डीएम भी मुख्यमंत्री के साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। तो 75 जिलों से डीएम्स मुख्यमंत्री के साथ चर्चा में शामिल हैं, अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं, मीटिंग में स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल, तो हॉटस्पॉट के इंतजामों पर भी चर्चा जारी है। तो कल 15 जिलों में सख्ती की गई थी, लेकिन तमाम 75 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं वहां पर जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल का हाल जान रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं अधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, 75 जिलों से डीएम से सीएम योगी कर रहे हैं चर्चा। तो मीटिंग में स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद हैं, हॉटस्पॉट के इंतजामों पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि हॉटस्पॉट में सख्ती इस कदर है कि लोगों को घरों से बाहर आने पर रोका गया है पूरी तरह, और ये सुनिश्चित किया प्रशासन ने कि लोगों के घर तक, लोगों के दरवाजे तक जो भी ज़रूरत का सामान है वो पहुंचाया जाए। तो वहां पर किस तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, तमाम डिटेल्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीएम के साथ चर्चा कर रहे हैं, 75 जिलों के डीएम मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं, मीटिंग में स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हैं। तो हॉटस्पॉट के इंतजामों पर खास तौर से चर्चा हो रही है, कुल 15 जिलों में जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे वहां पर विशेष सख्ती बरती गई है, उन इलाकों को सील किया गया है और वहां पर लोगों के घरों तक प्रशासन हर जरूरत का सामान मुहैया कराएगा, यह सुनिश्चित किया गया है। तो उसी को लेकर काफी अहम चर्चा जारी है। तो प्रदेश में 410 कोरोना मरीज जो हैं वो आंकड़ा 410 तक पहुंच चुका, अभी अभी ये बड़ी खबर मिली कि नोएडा में भी 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री जो है पल पल का हाल, तमाम जिलों का फीडबैक वहां के जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ले रहे हैं, और लॉकडाउन जो है वो भी बढ़ने के संकेत मिले थे। इसी बीच कल ये बड़ा फैसला लिया गया,
प्रदेश के 15 जिलों को चिन्हित कर वहां के जो हॉटस्पॉट इलाके हैं उनको चिन्हित किया गया और वहां पर उन इलाकों को पूरी तरह से सील किया गया है 15 अप्रैल तक। तो ऐसे में लोग पैनिक ना हो, लोग परेशान ना हो, लोगों से बार बार प्रशासन भी अपील कर रहा है, सरकार भी अपील कर रही है। सीधा रुख करेंगे लखनऊ से, हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल के हाल पर फीडबैक ले रहे हैं, जिन 15 जिलों की अगर बात की जाए जहां पर हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे उन इलाकों को सील किया गया, लेकिन तमाम 75 जिलों के जो DM हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य अधिकारी CM के साथ जुड़े हुए हैं, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए बिल्कुल, पूरे 75 जिलों के जो जिला अधिकारी हैं, CMO हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, वो सभी जो है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कल जिस तरीके से 15 जो ज़िले हैं जहां पर हॉटस्पॉट सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि जहां पर क्लस्टर मिले हैं, 6 से ज़्यादा जहां पर भी कोरोना पेशेंट हैं वहां पर जो जगहें हैं उनको सील किया गया, उसका फीडबैक मुख्य है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उद्देश्य फीडबैक लेना है, मुख्यमंत्री उन ज़िलों के अधिकारियों से, स्वास्थ्य अधिकारियों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जब ये सील किया गया, जब लॉकडाउन था और ये देखा जा रहा था कि वहाँ पर मरीज़ मिल रहे हैं, तब इस तरह की कमी क्यों, लापरवाही बरती गई, क्यों ये स्प्रेड हुआ, ये भी एक बात है। और दूसरा, कल रात 12 बजे से जिस तरीके से ये पूरा सील किया गया उन सभी इलाकों को, उसके बाद अब तक तकरीबन 17-18 घंटे हो चुके हैं, क्या स्थिति है, किस तरीके से वहाँ पर पुलिस के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग, नगर निगम के लोग वो काम कर रहे हैं, और क्या वहाँ पर जो ज़रूरी एसेंशियल चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें, चाहे दूध हो, सब्जी हो, फल हो, इसकी सप्लाई किस तरीके से हो रही है, आम लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए इस सख्ती के दौरान, इसका भी निर्देश मुख्यमंत्री दे रहे हैं। और जो सैनिटाइजेशन का काम हो, देखिए अब जगहें चिन्हित हो गई लवी, अब ये पता चल गया है कि कौन सा क्लस्टर है, कहां से कोरोना का संक्रमण हुआ और किन किन जगहों तक, क्योंकि जो हम कहें जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स है कोरोना पर, उसमें इन सारी बातों का भी डिटेल है कि एक व्यक्ति अगर कहीं कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो कितनी जो डिस्टेंस है, कितनी दूरी तक उसका जो संक्रमण है वो प्रभावित कर सकता है। तो अब जब ये सारी चीजें हैं तो वहां सैनिटाइजेशन का काम कैसा चल रहा है, आगे भी आपका रुख करेंगे और आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो मुख्यमंत्री लगातार बैठक के जरिए जो है जानकारी ले रहे हैं और लोगों से भी बार बार सरकार और प्रशासन यह अपील कर रहा है कि लोग सरकार को सहयोग करें, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, और यह सुनिश्चित सरकार कर रही है, प्रशासन कर रही है कि लोग जिन इलाकों में हॉटस्पॉट जिन्हें चिन्हित किया गया और सील किया गया, वहां लोगों के घरों तक हर जरूरत का सामान पहुंचाया जाएगा।